नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूँ आपके साथ प्रीति शर्मा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य केंद्र नलखेड़ा में नहीं है कोई व्यवस्था, स्वच्छ भारत अभियान का उड़ाया जा रहा है मजाक। जहां केंद्र सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर स्वच्छ व स्वस्थ अभियान चला रहे हैं, तो वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य केंद्र नलखेड़ा में आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार। वहीं इस अस्पताल में नहीं है कोई डॉक्टरों की व्यवस्था, मात्र एक ही डॉक्टर के भरोसे चलता है अस्पताल। डॉक्टर खान की अच्छी व्यवस्था, लेकिन उनका भी कर दिया गया तबादला। वहीं डॉक्टर यादव भरोसे से टिके हुए हैं, उनकी तबादला होने के बाद भी वापसी हो जाती है। वहीं ग्रामीण लोग होते हैं रात को परेशान, नहीं उठते हैं नलखेड़ा में कोई भी डॉक्टर, जबकि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नाइट ड्यूटी होना चाहिए। डिलीवरी के लिए ही बचा है मात्र स्वास्थ्य केंद्र। सुई गांव के निवासी श्री यादव के बच्चे को पेट में दर्द हुआ, पर नहीं उठा एक भी डॉक्टर। नलखेड़ा में कुछ लोगों की मदद से डॉक्टर खान को उठाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर उठ जाते हैं रात को। डॉक्टर खान का भी कर दिया गया तबादला, कर्तव्य निष्ठावान डॉक्टर का तबादला हो जाता है। वो तो कोई भी डॉक्टर नहीं मिले, तो हमारे यहाँ कोई नहीं मिले, सब दूर खड़ दिया। मान लो साहब के यहाँ भी आवाज़ लगी, राठौर साहब के यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा। हाँ, क्या हो रहा है बच्चे को? पेट में दुखे, दस्त लग गए, पेट दर्द है, दुखी हो रही है। अभी अभी तो कोई डॉक्टर नहीं मिल पा रहा। आगरमालवा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर नाइन में।